टाइगर तू आज पैसे नहीं उठा लाया, तू आज बिल्लो का घर और चाचा का हज उठा लाया है, उन्हें लौटा दे। अच्छा ठीक है भाई, ये लो ले लो। अरे मैंने कहा ना ले जा, तू खुद ही नहीं ले जा रहा। मुझे मजबूर मत कर, मारा मारी का अंजाम अच्छा नहीं। टाइगर ये हाथ देख, ये आज तक उठा नहीं और अगर उठ गया तो रुकेगा नहीं। आज राम ने तुम्हारी जिंदगी पर गुनाह का एक और पैबंद चिपका दिया, उसे माफ करते आए हो, माफ करते रहना राजा। दो भाई राम, अपने हिस्से के 2,00,000 रुपए, हो जाए को जश्न। रख दो कहीं, इन रुपयों की मंजिल किसी जश्न हाल तक नहीं बल्कि कई जरूरतमंदों के दर तक है। दर तो तुम्हारे लिए खुद ब खुद खुल जाते हैं। रानी साहबा बहुत परेशान थी, कल रात जो तुमने हीरों का हार चुराया वहां तक पहुंचना और फिर उस तिजोरी को खोलना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन था, लेकिन तुमने वो भी कर दिखाया। राम तुम वाकई अपनी दुनिया के बेताज बादशाह हो। राम भले ही आपकी दुनिया का बादशाह हो लेकिन गलियों के बादशाह राजा के साथ बात करने का साहस नहीं कर सकता। रहा रानी साहिबा को जो राम को शेर समझती हैं, उन्हें एक मशवरा देना राम की तरफ से, शेर का मतलब समझने वाले लोग उसके पंजों पर शक नहीं करते। अब फिर उन बस्तियों में जाने की तैयारी कर रहे हो राम, एक बात मेरे समझ में नहीं आती, तुम्हारे जिस्म में ऐसा फुर्तीलापन है और हाथों में वो फन है कि दुनिया की कोई भी रौनक तुम्हारे कदमों में झुक सकती है, और तुम हमेशा ये सब कुछ छोड़ छाड़ कर न जाने उन बस्तियों के अंधेरों में क्या तलाश करते रहते हो। उन बस्तियों के अंधेरों में विनोद सेठ राजा का मकसद पल रहा है, और राम की जगमगाती दुनिया से उन बस्तियों का अंधेरा कहीं ज्यादा रोशन और इबादत के काबिल है। और एक बात यकीन के साथ अपने जहन में बिठा लीजिए, अगर कभी इन आनीशान महलों और राजा की झोंपड़ियों में टक्कर हुई तो जीत झोंपड़ियों की होगी, इन महलों की नहीं। टक्कर से पहले अपना हिस्सा संभालो और बैंक में जमा कर दो, कहीं वो रोटी वाला चोर ना हाथ मार जाए। विनोद सेठ मैंने अपनी जिंदगी के सारे खाते गरीबों के दिलों में खोल रखे हैं, जहां ये हराम की कमाई हलाल की बन जाती है, जिसे ना तो कोई ताला चाहिए और ना ही कोई चाबी। राम पैसा चाहे हराम का हो या हलाल का, दोनों का रंग एक, बाजार में दाम एक। खैर छोड़ो, तुम नहीं समझोगे। सेठ हराम और हलाल की कमाई का रंग और दाम का फर्क बाजार में नहीं अपनी अपनी इंसानियत के पैमाने से होता है। खैर छोड़ो, तुम नहीं समझोगे। नमस्कार स्वामी जी। जय हो जय हो। कहिए आपका यहाँ कैसे हुआ? हम यहाँ के मैनेजर से मिल सकते हैं? कहिए, मैं ही यहाँ का मैनेजर हूँ, फरमाइए। मैनेजर साहब, वो मालूम हुआ कि इस यतीम खाने के बच्चों ने पिछले 2 साल से कोई त्यौहार नहीं मनाया। हाँ, फंड्स न होने की वजह से हम ना जा रहे हैं। एक बड़े सेठ से हमें ये धन मिला, हम संतों को ये माया किस काम की, सोचा इस यतीम खाने को देते चलें, कुछ गरीब बच्चों के ही काम आ जाएंगे। आप तो राम के भेजे हुए अवतार हैं हमारे लिए, इस बार इन यतीम बच्चों की दिवाली में अंधेरा नहीं होगा, रोशनी होगी, खुशियां होंगी। खुशियां बांटना ही हमारा धर्म और कर्म है। जय हो जय हो। राम तेरी लीला ने ई
साला राजा तेरे बिना जी नहीं सकता, रे जिए भी तो कैसे, बचपन से ही तेरी उसकी यारी है। तू भूल तो नहीं गया जब एक मासूम राजा ने अपने आप को बेचकर 100 रुपए कमाए और तू लेकर भूल गया जानी। राजा साले को तो अपने बारे में सोचने का चांस कभी दिया नहीं तूने। तू ही तो बता कि तू इतना भूल क्यों जाता है। राजा को तो दुनिया भूल गई, तू भूल गया, कोई वादा नहीं, पर औरों का क्या होगा। कब तक बोझ उठाएगा राजा, कब तक। राजा, तेरे लहू के पसीने ने गाड़ी के साथ मिलकर एक छोटी सी चक्की को इतना बड़ा मिल तो बना ही दिया। खैर बुद्धू, तू रहा फक्कर का फक्कर, वही मजदूर का मजदूर। देख सेठ, तेरे बंडल मुंशी ने अपन को डबल मजदूरी का सिंगल पैसा दिया। 10 रुपए नहीं देगा तो और क्या 100 रुपए देगा। एक मजदूर की इतनी लंबी जबान ठीक नहीं है राजा। देख सेठ, इसी मजदूर की लंबी जबान से एक राय देता हूँ कि अपन लोगों का पसीना बोरियों में भरकर हीरों के भाव बेचना बंद कर दे। मेरे पास कोई हीरे वीरे नहीं है। अरे ये हीरे नहीं तो हीरों की तिजोरी सही। ये ले 10 रुपए, चल फुट चल फुट फुट तिजोरी। ये 10 रुपए बिल्लो के बड़े आंगन वाले घर के, और ये 10 रुपए हमारे चाचा के हज के। और राजा तुम रहे ठन ठन गोपाल। राजा मुझे डर लगता है, रोटी वाले चोर को इस हांडी का पता चल गया तो। अरे माटी की हांडी में उसके लिए क्या रखा है, वो तो सिर्फ हीरे चुराता है। ये माल को हाथ लगाएगा तो हम खलास नहीं कर देंगे साले को। बिल्कुल खलास कर दोगे। बिल्कुल, तू फिक्र मत कर। अभी काम से लौटा हूँ, मुझे प्यास लगी है, एक कप पानी तो पिला। रे बाप रे बाप, बड़ी मालदार है आंगन सेठ, तूने मेरा टेटुआ दबा दबा कर 5,050 रुपए इकट्ठे कर लिए। और कितने पैसे लगेंगे घर बनाने में। यही कोई 20-25 हजार। 20-25 हजार। देख राजा, तू बिल्लो के घर से मस्करी मत करना। हमने तो माई की समाधि पे कैंडल जलाना भी शुरू कर दिया है। बिल्लो, घर मांगने से नहीं मिलता, बनाना पड़ता है। अगर तेरे मांगने पर भगवान ने किसी और का घर अपन को दे दिया तो क्या तू रहेगी उसमें। नहीं तो चलिए थैलियां रख दे। अच्छा तो एक बात बता, वो जो टाइगर है ना, वो तेरे माफिक पढ़ा लिखा है। नहीं फिर वो मोटर में घूमता है और तू अभी तक ढोल पीता है। अच्छा तो ये देख, मैं तेरे लिए तोहफा लाया हूँ, ड्राइविंग लाइसेंस। अच्छा, पुष्टी थी ना मैं रातों को कहाँ रहता हूँ, अब लाइसेंस आया तो मोटर भी आ जाएगी। वो बेचारा तो आया लेकिन शोर किया उस नवाबजादी ने, चोर चोर चिल्लाए रही, लेकिन उसकी शराफत तो देखो, पूरमपुर 10,000 छोड़ गया। ई नीले आसमान वाला चाचा कोई ना कोई ढकोसला निकाल ही लेता। इस कलयुग में ये दानी करण कहां से पैदा हुआ। धर्म की बात चाचा, ई भूखा इंसान खुदा को कहीं टिकने नहीं देता। वो इधर जाता है तो रोटी मांगता है, उधर जाता है तो पैसा मांगता है, कभी शादियां कभी बच्चे। शायद इसीलिए ये खुदा कभी भगवान बन जाता है, कभी भगवान से खुदा, और कभी ईसा मसीह बन जाता है। ये हम ही लोग ऊपर वाले को क्या क्या बना देते हैं। चलो बानों का ब्याह तो जाएगा। कब आ रही है बानों की बारात। ये बुढ़िया बड़ी चंट है, उसे डर है कहीं रोटी वाला चोर पैसे वापस लेने ना आ जाए। उसका बस चलता तो अभी बुला लेती बारात, वैसे आ रही है कल। स्टेशन में इंस्पेक्टर की परेशानी, चोर की गिरफ्तारी का इनाम 25,000, 25,000, 25,000। अगर साला अपुन को मिल जाए, अपुन तो 25,000 में दिन भर की शूटिंग कर डाले। हीरो हीरोइन राजा और बिल्लो का धड़कता हुआ फड़कता हुआ गाना। वाह 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 वाह, सिकंदर की सोहबत में चाचा अपना भेजा भी खुलने लगा है। एक अव्वल नंबर का आइडिया, खोज खाज कर रुमाली रोटी वाले को पकड़वा दो,
25,000 थामो और चुटकी में हज कराओ। अरे हम क्या सीआईडी हैं जो किसी को पकड़वा दें? तुझे हज नहीं करवाना है तो कह दे, हम कोई दूसरा बंदोबस्त कर लेंगे। बंदोबस्त तो अबू चाचा फिर वो फरिश्ता ही करेगा। कभन ना कभन वो रुमाली रोटी वाला एक पार्सल तुम्हारे यहां भी छोड़ जाएगा, तो फिर समझो हज कराए चोरी के पैसे से। लो बिल्लो। और सुनो, ये पैसे को का जंग लगा है? चोरी के पैसे से हज होवे या हलाल के पैसे से? चोर का पैसा का हलाल का नहीं। चोरी कितने जोखम का काम है चाचा। चोर ने का अपनी जान का पसीना ना किया होगा? पुलिस पकड़ ले तो जिंदा गाड़ दे। अरे किसी का सर काटते समय, किसी की जान मारते समय भी पसीना आता है बिटवा, पर क्या वो इस पसीने के बराबर है? अपन का सर चकरा रहा है अबू चाचा। क्या बताएं, ई बंबई शहर में सभी काम आसान हैं, बाकी पसीने का पैसा जरा बहुत मुश्किल है।